ये भी आया कुछ बनाने। नहीं 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। हाँ, बड़े दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली सेहत ख़राब थी तो अब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सोचा आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं लाया, आज ब्लॉग बना रहे हैं। आज ये है कि अफ्तारी जो है मेरे वालिद साहब बना रहे हैं, तो आज पूछते हैं वो क्या बना रहे हैं ताकि पता चले आज अफ्तारी में हमें खाने को क्या मिलेगा। और जब तक आप ये चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आज कीमा आलू हाँ कीमा बंदा कीमा मटर प्याज भी डाल दिए, टमाटर और डालते हैं, कीमा बहुत क्या होता है कीमा मटर। मेरे वाले सुनाई लगे तुम वाली चाल ले जिसले मैं तुम हमने सुनी Two hours later. भी आया कुछ बनाने। नहीं 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 ये क्या की है। और भाई पौने छः हो गए हैं अभी अफ्तारी में, इतना फिर ज़्यादा टाइम भी तो नहीं बचा हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूरी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ रहता है अभी, फ्रूट चाट बनाना रहता है। बाकी ये अब ये कीमा बनेगा, टाइम लगेगा, अब देखते हैं। अगर जल्दी तैयार हो जाए तो सही है, फिर खाएंगे, नहीं तो फिर यही है भाई, दो खजूरों पे गुजारा करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खैर मेरी हो गई थी यहाँ इंट्री शिंट्री, उमर व्लॉग स्टार्ट कर चुका था और आपकी बहन आज सोई रही है। खैर वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें जी। आइए और हमारे साथ आज की अफ्तारी बनाते हैं जी। आज की अफ्तारी बनाई है मामू मामी ने। खैर मामी तो रोज़ ही हेल्प कराती हैं, लेकिन मामू जी आज हमारे लिए बना रहे हैं कोई कीमा मटर आलू शालू। खैर मामू लोग गए थे बाहर तो ये लोग आए लेट शेट, तो आपकी बहन भी सोई रही है तो हो गए थे कुछ हम लेट, लेकिन इतना लेट नहीं हुए। सब ने मिल के बनाई अफ्तारी शफ्तारी। मामू ने बनाए जी मटर और कीमा और क्या कहते हैं आलू, तो खैर उसमें कुछ डाला मामू ने, स्पाइसी स्पाइसेस डाली हैं, ये हल्दी शल्दी डाली है वो। तो खैर आपकी बहन बहुत लेट सोई थी आज, तो मतलब कि जी 3:30 बजे कोई सोई थी, आँख लग गई तो जी 5:15 हो गए थे, 5:30 हो गए थे, कोई समझ नहीं आ रही। तो अभी तो मेरा दिमाग भी इतना आधा घंटे के लिए सुन था कि जी क्या कहाँ से क्या काम स्टार्ट करें, क्योंकि किचन का हुआ था सत्यानाश जी, इसलिए हुआ था कि घर का सामान शमान लेने गए थे तो वो कुछ एंड हुआ हुआ था, तो खैर उसकी वजह से ना ज़्यादा इधर उधर सारा सामान पड़ा हुआ था। खैर उमर साहब मामू के नए वाले स्लीपर पहन के किचन के अंदर आ गए थे और मैंने इनको बोला था कि जी बाहर जाएं, ये मामू के जी ईद के स्लीपर थे, मैंने आप लोगों को ईद की शॉपिंग दिखानी थी और ये भाई पहन के पहले ही ना अंदर आ गए। तो खैर भाई भी अपने तरफ से काम स्टार्ट करने लगे थे, मैंने कहा जी तुसी रखो आज है मामू की टर्न, तो आप फिर रफ्तारी बनाना, हम फिर आप लोगों को दिखाएंगे उमर क्या बनाता है। खैर मेरा एक पुत्र जाग रहा था और एक सोया रहा है। मामू ने अब ऐड करने थे कोई जी मसाले वगैरह, तो खैर मामू ने डाला उसमें नमक हल्दी मिर्ची जी काला मर्च कुछ यूँ कुछ ये डालते हैं मामू। और है रोहन चाचू के साथ खेल रहा था और उमर कह रहा था कि मैंने बनाना है फ्रूट चाट, मैंने कहा जी आज है मामू के टर्न तो मामू बनाएंगे जी, ये देख लें मामू का हमने सब चीज़ें दो शिला छो के ना आगे रखी हुई हैं। खैर ये सब मामी ने किया है, तो मामी ने फ्रूट शूट धोया और मामू को दिया कि जी काटे जी आज काम शाम करें आप,
तो खैर ये उमैर ने मिर्ची रखी हुई थी, खैर मामू ने रखी थी, अब उमैर ने तो ये मैंने उमैर को खिलानी थी। स्ट्रॉबेरी के ऊपर मिर्चियाँ कौन रखता है यार। खैर मुझे लग रहा मामू ये बीच में कट शट करके आज हमें देने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है। खैर आपका मुझे नहीं पता, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर ले लाजमी अभी प्लीज़, और हमारे ब्लॉग को लाजमी पूरे तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और ये देखिए जी उमैर सबा बना रहे, पानी शानी और कोई काम नहीं हुआ हुआ था, और पता नहीं 6 बज चुके थे, रोटियां छोटियां भी रहती थी, मामी ने रोटी छोटी स्टार्ट की और मैं तो कहाँ कैमरा पकड़ के मैं तो आधा घंटा ना इधर उधर घूमे जा रही थी कि कहाँ से क्या काम स्टार्ट करूँ। है मैंने कहा जी आज हम करते हैं रेस्ट, ये देखे जी भाई लोग स्टार्ट हुए हैं, माशाल्लाह से भाई भी बहुत अच्छा काम करता है। तो खैर ये उमैर ने बनाया पानी शानी और रोटी छोटियाँ भी साथ में बन रही थी, और जी मामी कुछ बर्तन वगैरह धो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्तन हुए थे, पानी शानी अभी नहीं भरा हुआ था। तो खैर हमने कहा कोई बोतल है एक दो तो इफ्तारी के बाद देखेंगे, तो मैंने टैंक शंक पूरा तैयार कर दिया था, मामू ने भी अपनी फ्रूट चाट तकरीबन काट ली थी सारी, और मामू ने बहुत अच्छे से फ्रूट काटे हैं यार। आपकी बहन ना बहुत बड़े बड़े जल्दी जल्दी में काटती है, आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी में होती हूँ। खैर मामू भी बहुत जल्दी में थे लेकिन उसके बावजूद मामू ने बहुत अच्छे से फ्रूट काटे हैं। तो आज से ना डेली जब तक रमज़ान है जब भी फ्रूट चाट बनेगी तो मामू करेंगे इनको कट शट और मैं आपको दिखाऊँगी लाजमी। तो खैर उमैर का पानी शानी भी तैयार हो चुका था, इसने डालनी थी इसमें कंजूसी करके 2-3 चमचे, यार 2-3 चमचे डाल के थे इतने बड़े बाउल में कैसे पानी, वो पानी पिया नहीं जाता। तो खैर सीख जाएगा अभी बच्चा है। तो है ये जी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी थी तकरीबन, तो मामू मुझे कहते हैं कि आप जी ने बड़े बहुत बड़े बड़े काटती हैं। मैंने कहा मामू जी ये कल से आपका काम है, ये देखिए जी हमारी रोटियां छोटियां भी बन रही थी, और उमैर कहता है मैं बनवा देता हूँ। मैंने कहा जी उमैर स्टार्ट हो जाओ आप ही बना दो आज। तो खैर मामू का कुछ फ्रूट शूट जो रहता था मामू ने ऐड शेड किया, कोई देसी ऐड किया, ये मिर्ची साथ में जो रखी हुई है अभी तक मुझे इस पर डाउट है कि मामू ये ना हो जी चाट में डाल दें। खैर साथ में ये जो मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखी हुई हैं ये अभी धोने के लिए रखी हुई हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ धोने वाला था यार, ये धोने वाला काम क्यों नहीं ख़त्म होता, आप लोग कमेंट्स में बताइए जी आपके घर में भी ये धोने छोने वाला काम है कि ये जी सिर्फ हमारे घर में, ऐसा नहीं हो सकता हमारे घर में, ये तो सब घर में। खैर जी अब मैंने जी तलने छलने वाली चीज़ें स्टार्ट करनी थी, तो मैंने जी ली हैं कुछ आए मामू लेके आए थे बीफ कबाब जो कि कोई भी नहीं खाता, और मामू ले आए टेस्ट के लिए। मैंने कहा जी मामू खुद तो आप खाते नहीं हैं, हमने ये जी बीफ कबाब नहीं हमें अच्छे लगते हमने नहीं कर, मेरे बच्चों ने खाने होते हैं जी शामी कबाब जो हैं चिकन के। तो खैर मामू की देसी ऐड हो गई थी, मसाला वगैरह मामू ने डाला, और मामू की चाट जी ये 1 इतनी प्यारी मलाई शलाई ऐड करने वाले हैं अभी, ये फिर तैयार हो गई थी। अब मामू के हाथ देखे जी कैसे चल रहे हैं, ऐसे जल्दी जल्दी काम किया करें, आप लोग भी अपनी खवातीन की हेल्प किया करें, खास करके रमज़ान में यार खुशी मिलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। खैर मामू काम करा के देते थे हमें कभी कभार, लेकिन अब यह है कि मामू के और भी बहुत काम है। तो है अब तलने वाले काम स्टार्ट करने थे आपकी बहन ने, तो मैंने जी ये नगर शगर्स लिए हैं, कबाब भी तलने थे और जी समोसे वगैरह भी तलने थे, तो जी टाइम भी काफ़ी हो चुका था। तो है ये लगा रहता है, तो आप लोग ना लाजमी जी व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम बार बार आपको ये कह रहे हैं जी अब अच्छा नहीं लगता रमज़ान में, आप लोग भी हमारे सुन लिया करें। तो खैर ये जी नगर शगर से बन चुके थे और काफ़ी टाइम तकरीबन हो गया था, मेरा एक पुत्र सोया हुआ था और आज हम सब किचन में थे, तो माशाल्लाह से रोटियाँ शोटियाँ भी तैयार हो चुकी थी। ये देखिए जी नगर शगर से बन गए थे आज, बहुत अच्छी बात है जी, हमारे नूडल्स ख़त्म हो गए थे तो वो भी मामी लोग ले आए आज। अब मामू की रह गई थी धनिया शनिया, तो मामू ने जी ऐड किया धनिया शनिया इसमें, तो उसके बाद जी हमारा सब कुछ तैयार हो चुका था तकरीबन, अब हम इफ्तारी लगाने लगे थे। तो खैर आप लोग ने लाजमी देखना है कि और हमें बताना है कि मामू ने कैसा बनाया है जी आज, सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो था कीमा आलू वगैरह, क्योंकि ये तो डेली की चीज़ें हैं और ये हम इतना खाते नहीं हैं, लेकिन आज हमने भी ये बहुत खाए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि कोई गर्मी नहीं है तो बस जो है तो अच्छे से बंदा खाता है। मेरे दूसरा पुत्र भी उठ गया था माशाल्लाह से, अब हमने रखी थी इफ्तारी शफ्तारी रखना स्टार्ट कर दी थी, तो जी ये पानी के साथ खेल रहा था, मुझे लग रहा था कि यार गिरा देगा तो हम क्या खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, वो बस जी उसमें जी हिलाई जा रहा था। तो खैर ये अब मेरी कबाब की बारी थी, मैंने जी कबाब आज हमारी कढ़ाई गंदी हुई हुई है तो इसको इग्नोर कर दीजिए यार, धोए नहीं रोज़ धोया जाता कुछ यार, बर्तन नहीं धोए जाते, कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के घर में भी इतने बर्तन हैं, रोज़ कौन धोता है यार बर्तन छोड़े।
खैर हमारी अफतारी शफतारी तैयार हो चुकी थी सारा कुछ, और देखे कितना मजे का लग रहा था, फ्रूट चाट और कीमा शीमा। तो खैर मामू भी अब ऊपर बैठते हैं, मामू को भी कोई टंग का दर्द है, नीचे नहीं बैठना हो रहा। तो है मैंने बनाई थी अफतारी के बाद चाय शाय, हमने पी है चाय शाय, और हमारे नगेट्स कम हो गए थे, वो भी हमने वापस तले। तो रात में बच्चों को कबाब बनाए और अपने लिए बनाए हमने नूडल्स वगैरह। तो जी यहाँ हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।